लड़की से पूछ रहा हूँ कि ये क्या सही। निखिल जोतवानी, निखिल जोतवानी, निखिल जोतवानी। हाँ ठीक है भाई, अकेले जा रहा हूँ। 230 की माँ छूत गई बहन छूत, दूध कौन पिलाएगा सोचो। बहन की छूत सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः। Alright, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Nikhil Jotwani. स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आप लोग को पता है मैं बेंगलोर सिटी में हूँ, मैं अपने पापा के साथ हूँ। पापा अभी काम में बिजी है अपने, और आज संडे था तो मैंने सोचा यार कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा है, दो दिन से मैं कहीं गया भी नहीं हूँ कैंपस के बाहर। तो ये क्या कैंपस है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट आज है संडे, मेरे को बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ आज बाहर मूवी पे, अकेले जा रहा हूँ। बाकी 4 बजे की कुछ मूवी है, अभी टाइम 1:30 हो रहा है। मैं जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है वो, लाइक सिटी के बाहर है ये जगह कुछ। क्योंकि मैं जब आ रहा था मैं कार में सो चुका था, आप लोग को पता है लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा तो अभी जाके पूरा व्लॉग देखो मैं कितना लेट आया था। तो मैं पूरा वक्त गाड़ी में सोया था, तो मुझे ध्यान ही नहीं है कि ये जगह सिटी में है या सिटी के थोड़ा बाहर है, आई डोंट नो। सो यहाँ से जो मॉल में जाने वाले यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, सो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। अभी कब तक पहुँचेंगे, यहाँ ट्रैफिक दिखा रहा है 1 आवर दिखा रहा है गूगल पे। बाकी अभी 1:30 हो रहा है, अभी वहाँ 2:30, 4 बजे की मूवी है। मैं जा रहा हूँ मूवी एक विलन रिटर्न्स देखने, अकेले जा रहा हूँ, कोई नहीं, पहले भी गया हूँ, नागपुर में भी जाता रहता था। बाकी मैं भी नीचे चल के मिलता हूँ। मास्क यहाँ पे लेना बहुत कंपलसरी है, ये कैंपस में मास्क के बिना नहीं घूम सकते। सो अभी चलता हूँ। सो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था कि लास्ट व्लॉग जिस जिसने नहीं देखा है वो जाके देखो, लाइक वो ट्रैवल व्लॉग है, मैं जानता हूँ उसमें भी बकचोदी नहीं है, बट उस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आया। जैसे कि आप एक सेकंड, जैसे कि आप बाकी सारे वीडियोस पे देते हो, तो जाओ और जाके देखो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जैसे मैं बताया था बैंगलोर सिटी कभी नहीं आया हूँ, डूड सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है नो डाउट, बट अपना शहर होता है नागपुर, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि अपना होम टाउन है, हमारे घर वाले सब वहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी जैसे आप लोगों को पता कल फ्रेंडशिप डे था, तो काफ़ी सारे दोस्तों के स्टोरीज लगाई थी, मैसेजेस आए थे, उन सबको थैंक यू। बाकी अभी 2 दिन बाद, और गाइस मेरे को अपने दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, लाइक दो तीन दिन हुए हैं बट बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि किसी से मिला नहीं हूँ। और ससुर में 2 दिन से चिकन नहीं खाया हूँ। और 2 दिन बाद, लाइक आज संडे है और ट्यूजडे और आज संडे है, आज 3 बजे एक अनसीन वीडियो क्लिप डालने वाला है यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में डाला हूँ, देख लेना जाके। हैप्पी स्ट्रीट के दिन का है वो, डाला नहीं था वो, आज डाला हूँ, अनसीन है। और ट्यूजडे को मेरे को मेरे दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे बेंगलोर में, तो उन लोग को वहाँ पे जाके दूध कौन पिलाएगा, सोचो। दूध इसलिए पिलाना है क्योंकि ट्यूजडे को है नाग पंचमी, तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई है जिनको आपको लगता है उनको दूध पिलाना चाहिए तो बिल्कुल वो है, बिल्कुल पिलाइए उन्हें। बाकी अभी नीचे उतरते हैं और नीचे चल के कैब बुक करते हैं, देखते हैं क्या चार्जेस लेता है वो, बताता हूँ। एक सेकंड अभी कर लेता हूँ, 1 मिनट में मिलता हूँ आपसे। सो गाइस कैब मैंने कर दी हूँ बुक, कैब को आने में 10 मिनट्स है, तो यहाँ से मेरे को चलने में कम से कम 10-12 मिनट लग जाएंगे बाहर जाने में, सोचो कितना दूर है। बाकी कैब और बाकी चार्जेस हुए 509 समथिंग, तो अभी बाहर जाना है और मूवी देखेंगे, लाइक रिव्यू भी पता नहीं मेरे को, जैसी भी हो देखना है यार क्योंकि वैसे भी को बहुत बोर हो रहा है यहाँ पे। और एक बात, यहाँ पे ये जगह, ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे अंदर लोग डॉक्टर्स लोग काफ़ी है, स्टूडेंट्स भी लाइक डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ किसी बड़े डॉक्टर से मिलना तो उसके पहले वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं वो लोग आके पहले चेकअप करते हैं, माइनर चीज़ें वो देखते हैं, फिर जब मेजर चीज़ के लिए अगर आपको जाना है उसके बाद वहाँ अपॉइंटमेंट मिलता है। जो हेड डॉक्टर्स रहते हैं, जो ये लोग, ये देखो राम भगवान जी की मूर्ति है, तो मैं उस साइड से जाके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस इतना प्यारा बनाया हुआ है यहाँ पे, लाइक ये जहाँ पे है ना हम कैंपस में, यहाँ की वाइब्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखो लाइक ये नियर जंगल के आसपास है बट एक अंदर एक बनाया है लोगों ने, लाइक 100 एकर्स में जगह बनी हुई है। तो ये जो जगह इतनी प्यारी बनी हुई है, इसका नाम मुझे नहीं पता, लाइक जो उसका नाम है वो श्री विवेकानंद, क्या था, श्री विवेकानंद, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल, श्री विवेकानंद समथिंग कुछ है, मेरे को याद नहीं है पूरा अच्छे से, बट मैं देखता हूँ मुझे अगर लोकेशन याद आई तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत प्यारी जगह है बेंगलुरु में, बेंगलुरु क्या मैं बेंगलुरु बोलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है बेंगलुरु। बाकी मेरे पीछे देखो इतना प्यारा टेम्पल है,
और यहाँ से एक चीज बहुत बेकार लगी मुझे, यहाँ पे ये कैब वालों को अंदर नहीं आने देते, और यहाँ से अगर हमको बाहर जाना है कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के जाना है, तो अभी मैं जा ही रहा हूँ चल के बाहर, क्योंकि वो एंट्री भी मिलेगा मेरे को। सो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मैंने यहाँ पे अभी किसी लड़की से पूछा कि ये क्या सही रास्ता है बाहर जाने का, क्योंकि 3-4 मिनट हो गए मैं चलते जा रहा हूँ, और मैं जब सिर्फ एंट्री लिया था उसके बाद मैं एक ही बार बाहर गया था, जब वो मैंने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैंने खाना ऑर्डर किया था पापा और मेरे लिए, उसके बाद से मैं गया ही नहीं हूँ, क्योंकि कौन जाएगा यार इतना दूर। मैंने तो पहले ही वर्कआउट बंद है, हाँफना चालू कर दिया हूँ, और बाकी भाई का टैटू चेक करो तुम, पूरी तरह से हील हो गया, बाकी मैंने ऑयल लगाया था, अभी हील पूरा हो चुका है, एक दो दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो, और नागपुर पहुँचते तकड़ा वर्कआउट करूँगा ना, बहन की चूत कान फाड़ दूंगा सबकी। और अभी कंपटीशन भी था यार 3rd or 4th August को, बट नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भरोसा ही नहीं है कि हम लोग कब जा रहे हैं, लाइक 1 week के बाद, 5 को मोस्टली जाएंगे, तो 5 को या 6 को, अगर नहीं तो एक हफ्ता और एक्सटेंड होगा, बट मोस्टली चले जाएंगे 5 या 6 तक, तो वो कंपटीशन तो मिस हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट कंपटीशन कब है, उसके लिए तैयारी करूँगा नागपुर जाके। 1825 काम नहीं करता मैं, बाहर से आया हूँ। देखो उसे भी हमारा गांव कहीं था ना। क्या भाई क्या नाम है तेरा? नाम क्या? लिखित कुमार। तुम्हारा लिखित कुमार? YouTube देखते हो? YouTube वीडियो हाँ देखते हो? आओगे तुम? निखिल जोतवानी हाँ ठीक है भाई, ओके चलो बिल्कुल गेमिंग वाला है भैया। हाँ गेमिंग वाला नहीं, गेमिंग नहीं व्लॉगिंग है। यू नो हिंदी और इंग्लिश ओनली इंग्लिश, थोड़ा। हाउ फार द सिटीज हाउ मच इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाउ फार वेस्ट एरिया कितना दूर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ना? हाँ कितना दूर है? 8 किलोमीटर भाई। बारिश चालू है, देखो अभी पहुँचा हूँ एनॉक्स के बाहर, 15 किलोमीटर मिलता हूँ। तो भाई यहाँ से कहीं तो लिफ्ट है, 5th floor पे मुझे जाना है, तो मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम यार, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। वेयर इज द लिफ्ट? ओके थैंक यू सो मच। तो भाई इसमें बहुत जल्दी पहुंच गया हूँ, 3 बज गए थी, 1 घंटा और बाकी है, 4:10 का शो है, बहुत भूख लगी है, खाता हूँ पहले, सबसे पहले कुछ खाता हूँ, 4 बजने का वेट करता हूँ। और चलो यार जाता हूँ अभी कुछ खाने, बहुत भूख लगी है भाई। अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार खाने के लिए, उसके बाद क्या सैंडविच के बोर्ड्स लगे हैं, और पे सब कुछ रेडी है, बट बोल रहे कि अभी नहीं देंगे, इंटरवल में देंगे। अरे मेरी मूवी 4 बजे चालू होना, तो मैं क्या करूँ, देखते हैं अभी यार क्या खाना। अरे पॉपकॉर्न अगर मुझे खाना नहीं है, स्वीट कॉर्न में बोला हेल्दी खाऊंगा कुछ, पर स्वीट कॉर्न भी बोल रहा है इंटरवल में। ये कैसे सिनेमा है गाइस, हमारे नागपुर में भी है एनॉक्स, बट ऐसा तो नहीं है, बाकी आजू बाजू पूरे लोग मेरे को देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये बंदा फ़ोन पे, क्या हम किससे बातें कर रहा है, पागल समझ रहे हैं। ये लाइफ ही होती है यार व्लॉगर की, जिसने की शर्म उसके फूटे गर्म, शर्म नहीं करना व्लॉगिंग के टाइम पर बिल्कुल भी, की शर्म का वो कभी गाइस व्लॉगिंग कर ही नहीं सकता, इसके कभी शर्म मत करो, लोगों को देखने दो, लोगों से क्या करना है, अपना काम है अपना पैशन है, हम तो करेंगे। ओके बेंगलोर सिटी तो अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकता बुरी है, बट यार अपना शहर अपना होता है, लाइक नागपुर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार मेरे को भले, क्योंकि वो अपना होम टाउन है ना। बाकी जो लोग बोलते हैं कि नागपुर छोटा शहर है गाँव है, तो भैनचोद जाके गूगल पर सर्च कर 3rd largest सिटी ऑफ महाराष्ट्र, दिख जाएगा गूगल पे भैनचोद। बाकी जो जो भाई लोग नागपुर से, वो लोग जाके कमेंट में नागपुर ओपी लिखो, अभी जाके लिखो। तो भाई लोग मैंने वेजिटेबल सैंडविच लिया है, अभी खा के बताता हूँ इसका टेस्ट क्या, टेस्ट भी देता हूँ अभी इसको खा के। तो
इस सैंडविच इतना ज़्यादा गंदा था ना डूब क्या बात, इतना ज़्यादा गंदा, मतलब मैंने एक पीस खाया ना उसका मैं रिव्यू उसने नहीं दिया क्योंकि मैंने गया और मैंने फेंक दिया। ऑफेंड मत होना कि फूड वेस्ट कर रहा है क्या, बट मैं वो खा ही नहीं सकता ना आप लोग, वो टेस्टलेस था बिल्कुल, ठीक है। और मैं अगर बाहर आया हूँ तो मुझे टेस्टी खाना चाहिए, मुझे टेस्टलेस खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो मैं साल भर खाता हूँ जिम लाइफ के लिए, बट आज नहीं खा सकता, मेरा भी मन होता है बाहर का खाने का, थोड़ा बताओ तो मैं लेता ही नहीं। और 230 की माँ छुपी है भैंस, अभी रेड बुल लिया हूँ, इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ खाने के लिए तो कुछ भी ढंग का नहीं है डूड, पॉपकॉर्न अगर मैं खाता नहीं स्टार्टिंग से। मैं 10 मिनट और बाकी है और पता नहीं अंदर शायद क्लीनिंग चल रही है, सो अभी मैं जाता हूँ अंदर जैसे ही होता है, अगर कुछ रिकॉर्ड करने लायक रहा सीन तो दिखा दूंगा, नहीं तो बताऊँ फिर सीधा मूवी के। अब सीधा सीधा बता। मैं नहीं बताऊंगा। क्या किया तूने, मारा क्या किसी को? बोला या खुद मर जाओगे? मार मेरा, मार ना, मार ना, मार मेरा। पसंद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो बहुत एपिक था, ये तो कुछ था ही नहीं, स्टोरी में कुछ सीन ही नहीं था। अभी ऐसे जाता हूँ वहाँ कैंपस में जहाँ पे बाबा स्टे कर रहे हैं, तो कुछ खाना भी है बाबा के साथ, तो रात का डिनर उनके साथ ही करता हूँ, देखता हूँ अगर आगे कुछ शूट करना होगा तो करता हूँ, मैं तो वहीं चल के मिलता हूँ। तो गाइस मैंने ये रेस्टोरेंट से बिरयानी ले रहा हूँ और तंदूरी चिकन, भी काफ़ी ज़्यादा हाइजीन लग रहा है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये सब बिरयानी माने समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छा है, हाइजीन लग रहा है वहाँ का, तो मैं लेता हूँ इसे। 4732 चलिए भैया, थैंक यू। सो गाइस मैं आ गया वापस, अभी जस्ट पहुँचा हूँ कैंपस, और ये पार्सल लिए हुए 40 मिनट हो गए, ऊपर जाके देखता हूँ ये ठंडा हुआ है क्या, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत कम खाया था यार आज मॉर्निंग से, बहुत ज़्यादा कम खाया हूँ, और 230 का जो सैंडविच खाया घटिया सा, वो भी कहाँ खाया, एक ही पीस खाया बस। सो काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए, तो मैं बताता हूँ, वीडियो शूट करते करते मेरी फ़ोन की चार्जिंग पूरी खत्म हो चुकी थी, मैं रूम में गया चार्जिंग किया, खाना खाया और वापस अभी कपड़े चेंज करके लिफ्ट से ही ब्लॉग स्टार्ट किया, लिफ्ट में ही ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ, स्ट्रगल देख रहा हूँ तुम्हारे भाई का, अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल दिया हूँ। वैसी बात पे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी बन के करना है चैनल के, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ फुल शेयर करो, जल्दी जल्दी बन के करो गाइस। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, अभी मिलता हूँ मैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के बाय। Love the chase and the-